पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन और द इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन के सहयोग से आयोजित की जा रही 3 एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप शुक्रवार को यहां आरंभ हो गई। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने यहां रामलीला ग्राउंड में चैंपियनशिप का विधिवत शुभारंभ किया। इसमें नेपाल, भूटान और कजाकिस्तान के अलावा देश के विभिन्न राज्यों, थल सेना तथा विभिन्न अर्धसैनिक बलों की टीमों के साथ साथ हिमाचल की स्थानीय टीमों सहित लगभग 24 टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर आरएस बाली ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाओं के उचित दोहन के लिए एडीबी की मदद से लगभग 2500 करोड़ रुपए की एक व्यापक परियोजना को क्लियरेंस मिली है। हिमाचल प्रदेश में एक साल के भीतर इस परियोजना के परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय रनवे हीरो सोलन। सारी चीजें बाहर निकलेंगी और एक साल के अंदर जमीन से ये सारे प्रोजेक्ट बाहर दिखना शुरू हो जाएंगे। आप सबका आशीर्वाद है, आप लोगों के आशीर्वाद से आपने इतने बड़े नेता को चुना है कि हम सब उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़े हैं। नदौन को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं दी। जितनी भी सड़कें हैं उनके काम चले हुए, काम एक दिन में नहीं खत्म होता। आपको सड़कों के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, पूरे प्रदेश में तोड़फोड़, हजारों करोड़ रुपए लगना है। हजारों करोड़ रुपए जो लगेगा वो एक दिन में तो लग नहीं सकता, आपको उतना मटेरियल ही नहीं आ सकता, मटेरियल भी ढोना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तो जो समय लगता है, अगर बिल्डिंग बनानी है उस बिल्डिंग को खड़ी होने में समय लगता है। आप घर का अगर किचन भी बनाते हैं या आप घर के दो कमरे भी बनाते हैं उसमें भी समय लगता है। तो बनाने का काम चालू है, अब जो समय लगेगा वो लगेगा, पर हर चीज़ चालू है और निरंतर चल रही है। एडवेंचर स्पोर्ट, आप कोई, मैंने बोला अपने भाषण में, आप पैराग्लाइडिंग ले लें, आप राफ्टिंग ले लें, आप रॉक क्लाइंबिंग ले लें, या आप एडवेंचर स्पोर्ट ले लें, बाइकिंग, आप मोटर बाइकिंग ले लें, आप कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स ले लें, हिमाचल प्रदेश के अंदर हर एक्टिविटी चालू है। थोड़े दिन पहले कुल्लू के अंदर मोटर बाइकिंग की हुई, अभी दूसरी हम कार्स की करवाने जा रहे हैं, हमने रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर काम करना बड़े स्तर पर शुरू कर दिया, पैराग्लाइडिंग हो गई, राफ्टिंग शुरू की है और राफ्टिंग अलग अलग जगह पर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूर नदौन को हम बड़ा एक हब बनाना चाहते हैं और बाकी जगह भी हम इसके खोल रहे हैं रास्ते ताकि लोग आएं। सर देखिए, इसमें मेरा मत जो है वो थोड़ा अलग है। इसमें मेरा मत ये है कि इसके ऊपर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, मैं बड़ा विभाग बोलता हूँ, हर चीज़ के अंदर आपको, आप चीज़ करते हो, आप विचार करते हो, उसके ऊपर पुनर्विचार उसके बाद होता है। पहले जो था उससे थोड़ा कम किया गया है, अब उसको आगे जाके और उसको देख रहे हैं किस तरह से आपको उसका फीडबैक मिलेगा, फीडबैक के अनुसार आपको करना है, क्योंकि आपको स्टेट को भी बनाना है, स्टेट में बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको लेके भी आना है, पर उनको कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर भी देना है, उनको अनकंफर्टेबल नहीं होना है। बहुत से देश जो हैं वो लोगों को विदाउट वीज़ा लेके जा रहे हैं, उनको वीज़ा वहाँ अराइवल पर दे रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से भी सोचना है। पर आज की तारीख में ये भी देखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, दुनिया के बाकी कोनों में आपदा नहीं आई, और हिमाचल प्रदेश के अंदर सेंटर ने एक रुपया नहीं दिया है, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ, ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो हम विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पर उसके बावजूद अपने पाँव पे खुद खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश मजबूत है अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा हिमाचल प्रदेश आज खड़ा है और आगे दौड़ेगा। ये पुनर्वास कार्यक्रम जो है वो तो पहले दिन से चल पड़े, यहाँ पे आपदा ने प्रदेश को हिट किया और वहाँ पे जेसीबी, बुलडोज़र और जो ट्रक थे वो उसको क्लियर करने में लग गए, आज सब कुछ बनाने के अंदर लग गए, सड़कें सारी खुल गई और कहीं ना कहीं आज अधिकतर प्रदेश की सारी सड़कें जो हैं वो दोबारा से सुचारू रूप से खुल गई, बसें चल रही हैं। नहीं तो जहाँ बस नहीं है वहाँ कार्यबल किया है, नहीं तो अगर वहाँ कार्यबल नहीं है वहाँ पे भी व्हीकल कोई ना कोई वहाँ पहुँचे, ऐसा प्रावधान किया गया है। मकान करने में समय लगता है, मकान को बनाने में समय लगता है, उसको किसी भी तरह पहले उसकी नींव बनानी पड़ती है, इमारत खड़ी होती है, पानी देते हैं, एक मकान बनने में कम से कम एक साल लगता है। आप सबने बनाए हैं तो कोई भी सड़क बनानी पड़ेगी, आज हाईवे बन रहा है उसमें समय जो लगेगा वो लगेगा, पर जितनी गति से काम हो सकता है उतनी गति से एक दिन भी काम
रुका नहीं है, हर कंस्टिट्यूंसी हर विधानसभा क्षेत्र में काम है। मेरी कंस्टिट्यूंसी में आने से पहले मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया तकरीबन 20 करोड़ के काम जो है, जो पैसा है बजट सेंक्शन आज भी हुआ है। आज भी मेरे को अभी आते हुए फ़ोन आया कि वहाँ से मैंने फ़ोन किया था तो हो गया बजट सेंक्शन। तो कहीं ना कहीं ये सारी कंस्टिट्यूंसियों के अंदर इसी तरह को बताता हूँ आपको, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अभी तो इसको डेवलप कराया जा रहा है, इस जगह को, इस इवेंट को डेवलप कराया जा रहा है। जब कोई चीज़ नई बनती है, जब बीड बिलिंग शुरू हुआ था तो बीड बिलिंग के अंदर उस टाइम बहुत कम पायलट उड़ा करते थे। कल मैं बीड बिलिंग में था, वहाँ ऊपर से हवा से फूल बरसा रहे थे, टनों के टन फूल बरसा दिए, मतलब टनों के टन लेके उड़ रहे थे। तो ये माधवराव सिंधिया जी ने जब शुरू किया था बीड बिलिंग, उस समय आप जाइए इट वॉज इन द ईयर 97-98, इन अ लॉन्ग टाइम बैक, इट टुक 20 ईयर्स टू डेवलप। इतना लंबा समय, एक समय लगता है, एक समय अपने आप एक कोर्स है, पर आपकी एक्टिविटी चालू रहनी चाहिए। और एक्टिविटी आप चालू करेंगे, पहले दिन हम चाहेंगे कि नदौन के अंदर पूरी दुनिया आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। पर आप ये देखिए कि जो नदौन में आज हो रहा है वो क्या कभी संभव था? वो कभी संभव नहीं था, पर उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज वो संभव हो रहा है। और हम लोग सारे रात दिन लगे हुए हैं कि कांगड़ा को किस तरह टूरिज्म कैपिटल बनाया जाए, हिमाचल प्रदेश को किस तरह टूरिज्म का हब पूरे देश का बनाया जाए, और नदौन के साथ किस तरह आप नई नई टूरिज्म की एक्टिविटीज़ के साथ नदौन को जोड़ सकें। मैडम ने आना, आइए। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज रिवर राफ्टिंग के लिए एक लंबा स्ट्रेच, बिकॉज रिवर राफ्टिंग का कितना लंबा स्ट्रेच होता है और कंडीशंस क्या होती हैं, बिकॉज आप जब कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हो तो उसमें रिस्क की परसेंटेज कितनी बड़ी है। मान लिया आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और पैराग्लाइडिंग जो है उसकी जो एयर कंडीशंस हैं या उस जगह की कंडीशंस हैं या लैंडिंग कंडीशन है वो कैसी है, वैसे ही राफ्टिंग है कि राफ्टिंग के लिए क्या कंडीशंस हैं, पानी की क्या कंडीशन है, पानी का कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाव इतना ज़्यादा आ जाए कि एकदम ले जाए उसको, और या उसका बहाव इतना कम हो कि राफ्ट चल ना पाए, या वो कितना लंबा स्ट्रेच मिलता। तो नदौन में जब पूरा का पूरा उसका सर्वे हुआ तो एक बेहतरीन स्ट्रेच मिला, और उस बेहतरीन स्ट्रेच को सोच के, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच थी कि यहाँ पे हमने कोई बड़ी चीज़ डेवलप करनी है और उसी माध्यम से अलग अलग स्पोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात को आगे बढ़ाते हुए टूरिज़्म ने रात दिन काम किया और एक चीज़ निकाली कि यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर राफ्टिंग जो है वो बेहतरीन बड़े स्तर पे हो सकती है और बड़ी चैम्पियनशिप यहाँ पे हो सकती है। आप नेशनल लेवल के लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं, चैम्पियनशिप करा सकते हैं, और यहाँ पे उसके लिए आज उसका आगाज़ किया है, उसको टूरिज़्म पूरी तरह से पीछे खड़ा हुआ है मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों से, और हम लोग यहाँ पे उसी ऐतिहासिक क्षण को एक तो चालू करने के लिए और एक उसको देखने के लिए ताकि आगे उसको और बेहतर कैसे किया जाए। डेनेलिया साहब हैं, हादी साहब हैं, और जितने भी ये फॉरेन कंट्री से डिग्निटरीज आए हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ ताकि राय मिले। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी बनना है राफ्टिंग का, और उसके साथ साथ टूरिज़्म का बहुत बड़ा होटल आ रहा है यहाँ पे, ताकि एक बेहतरीन नदौन के अंदर क्वालिटी टूरिज़्म आ पाए, क्योंकि बाहर के लोग जब आएंगे तो उनको एक अच्छी जगह रहने के लिए चाहिए। और कोई भी चीज़ जब होती रहती है, चलती रहती है, तब वो चलती है। अगर कोई चीज़ चल के बंद हो जाए फिर वो नहीं चलती, इसलिए उसी माध्यम से इसको आगे डेवलप करने के लिए हमने इसको चालू किया, और आगे जाके भी इसमें जितना पैसा लगाना पड़ेगा टूरिज़्म हमारे मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों के साथ खड़ा है और आगे जाके इसको आगे बढ़ाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नादौन से निष्पक्ष भारती की रिपोर्ट। फेस्टिवल सीजन में आप भी अपने पसंदीदा स्कूटर को घर ला सकते हैं, और वह भी मात्र 5,000 की डाउन पेमेंट पर, और एक्सपल्स 4V बाइक मात्र 18,000 की डाउन पेमेंट पर। देश ही नहीं दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प इस फेस्टिवल सीजन में अपने ग्राहकों के लिए लाए हैं स्कूटर्स व बाइक्स के विस्तृत रेंज, जो कि बेहतरीन कीमत में बेहतर माइलेज, लो मेंटेनेंस कॉस्ट सहित सबसे ज्यादा सर्विस व सबसे ज्यादा वारंटी का भी दावा करती है। स्कूटर्स व बाइक्स की यह विस्तृत रेंज उपलब्ध है सोलन के देऊंघाट स्थित
रनवे हीरो सहित रनवे मोटर्स के प्रदेश में स्थित सभी आउटलेट्स व शोरूम में केवल 5,000 की डाउन पेमेंट देकर आप भी घर ले जा सकते हैं स्कूटर। फेस्टिव ऑफर में एक्सपल्स 4V बाइक मात्र 18,000 की डाउन पेमेंट में, साथ ही एक्सपल्स 4V की खरीद पर ग्राहक को मिलेगा 5,000 का गिफ्ट वाउचर भी। रनवे हीरो के MD तुषार गुप्ता ने बताया ये सभी स्कूटर्स व बाइक्स अफोर्डेबल रेट के साथ उपलब्ध हैं और कंपनी द्वारा 5 फ्री सर्विस व 5 साल की वारंटी भी दी जा रही है। इसके साथ ही हीरो मोटोकॉर्प डेस्टिनी प्राइम स्कूटर के अलावा स्कूटर के सभी मॉडल पर 3,000 का एक्सचेंज ऑफर व फेस्टिव सीजन के दौरान 15 नवंबर तक रोड साइड असिस्टेंस की भी सुविधा अपने ग्राहकों को दी जा रही है। तो इससे बेहतरीन ऑफर कहां मिलेगा, आज ही विजिट कीजिए रनवे हीरो मोटर्स के नजदीकी शोरूम या आउटलेट का और इस फेस्टिवल सीजन करें अपने सपनों को साकार।